टू माई YouTube चैनल। सो इन टूडेज वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट किस तरह से आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे भी इनिशियली बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। सो जब टीचर ने हमें पढ़ाया फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। एंड वेन आई टॉक टू माई सीनियर्स तो दे वर लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ईजी होती है यार, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है। सो वॉट आई डिड, आई केम बैक होम एंड देन वहाँ पे मैंने जो भी टीचर ने पढ़ाया था उसे देखा, देन बुक खोली, बुक से पढ़ा एंड देन अपने प्रॉपर नोट्स बनाए। तो उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे मैंने प्रैक्टिस की सो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगने लग गई एंड उसके बाद समझ में आ गया। सो क्या टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज मैंने फॉलो की जिसकी हेल्प से मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आई वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो द टिप नंबर वन इज दैट अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। इफ यू थिंक दैट मेकिंग नोट्स इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू ऑल, सो आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड माई नोट्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, जितनी कन्वर्जन रिएक्शंस सारे मैंने उस नोट्स में लिख रखी हैं, सो आप वहां से देख सकते हो। एंड जितनी भी रिएक्शंस हैं हर एक चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जितनी रिएक्शंस हैं चाहे वो नेम रिएक्शंस हो चाहे वो कन्वर्जन रिएक्शंस हो, सारी ही इंपॉर्टेंट है, सारी आपको रट डालनी है। देयर इज नो टू वे फॉर इट, आपको सारी ही लर्न होनी चाहिए बिकॉज कई सारे क्वेश्चन में सारी रिएक्शन यूज होती है एंड कुछ टिपिकल सी रिएक्शन होती है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उनको आप छोड़ सकते हो। बट बाकी जो नेम रिएक्शन है कन्वर्जन रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी ही आपको लर्न करनी है। देन लुक, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने सिर्फ रिएक्शंस को देख लिया एंड आप सोच रहे हो कि हाँ वो रिएक्शंस आपको याद हो गई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वी जस्ट थिंक कि हमने देख लिया तो हमें वो याद हो गया है, हमारे दिमाग में स्टोर हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक रिएक्शंस आपको समझ में नहीं आएंगे। बिकॉज हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने देख लिया हाँ ये रिएक्शन है इससे इसमें चेंज करना है, हमने सोचा कि हमें याद हो गया, बट जब वो लिखने पर आता है तब हम भूल जाते हैं बिकॉज हमने रिटन प्रैक्टिस की नहीं होती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप रिटन प्रैक्टिस करो। अगर आपने दो तीन रिएक्शन लर्न कर लिए सो उसे लिख के भी ट्राई करो कि हाँ मुझे याद हो गई है। जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यू कांट ग्रो, सो डेफिनेटली प्रैक्टिस आपको करनी है। देन आपने जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सो उसके बाद आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस होती है एंड जो इंडेक्स एक्सरसाइजेस होती हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको करना है। केमिस्ट्री में सब एनसीईआरटी से ही आता है, जितने इंडेक्स क्वेश्चंस हैं बैक एक्सरसाइजेस हैं उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। सो कई सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत टिपिकल होते हैं, हाई लेवल होते हैं, समझ में नहीं आते, तो उनको आप छोड़ सकते हो। बट जो बाकी कन्वर्जन रिएक्शंस हैं, जो ईजी क्वेश्चंस हैं एंड जो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आ चुके हैं सो वो आपको डेफिनेटली करना है। सो जब भी आपने कोई चैप्टर कर लिया है सो आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जरूर से जरूर करिए। एंड देन उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, बाकी जो पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है वो तो इस साल कर लिया है। सो आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर बचा, आपको ये नहीं करना है कि जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है बहुत छोटा सा है तो आप उसे छोड़ दो, बिकॉज उससे भी क्वेश्चंस आते हैं एंड काफी आसान सा चैप्टर है, वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें थोड़ा सा आपको लर्न करना है। सो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एटलीस्ट आप जरूर से जरूर करिए। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।